डिजिटल मार्केटिंग नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अगर आप SEO करते हैं तो आप कीवर्ड के बारे में ज़रूर जानते होंगे, कीवर्ड क्या है। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि आप कीवर्ड को किन किन तरीके से अपनी वेबसाइट में ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि एक अच्छी पेज रैंकिंग गूगल में आप ला सकें अपनी वेबसाइट की। क्योंकि दोस्तों, कीवर्ड्स का एक बहुत ही अहम रोल है SEO के अंदर। क्योंकि कोई भी यूज़र अगर सर्च इंजन में कोई भी प्रोडक्ट के बारे में या कोई भी इंफॉर्मेशन के बारे में सर्च करता है, तो दोस्तों वो कुछ कीवर्ड्स टाइप करता है, कीवर्ड्स टाइप करता है और उसी से रिलेटेड रिजल्ट गूगल सर्च इंजन उसको प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए कीवर्ड्स का सही यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कीवर्ड को कैसे यूज़ करना है, कहाँ कहाँ पर यूज़ करना है, दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ SEO। कीवर्ड के बिना, कीवर्ड के सही यूज़ के बिना आप कभी भी अपनी वेबसाइट पर रेलिवेंट ट्रैफिक नहीं ला सकते, कभी भी अपनी वेबसाइट को गूगल के सर्च इंजन में टॉप पे नहीं ला सकते। तो दोस्तों ये जानना, ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से वो तरीके हैं और कहाँ कहाँ पर आप अपनी वेबसाइट में कीवर्ड को अपने यूज़ कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, सबसे पहला जो तरीका है वो है वेबसाइट URL। यू कैन यूज़ योर कीवर्ड्स इन योर वेबसाइट URL। आप अपने वेबसाइट के URL में अपने कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। एक कीवर्ड या दो कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, उससे ऊपर आप कीवर्ड को यूज़ नहीं करना, क्योंकि उससे ऊपर फिर वो स्पैम में काउंट हो जाता है। एक या दो कीवर्ड आप अपनी वेबसाइट की URL में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो कीवर्ड अपने वेबसाइट के URL में यूज़ कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, दैट मस्ट बी मोर रेलिवेंट विद योर कंटेंट। वो आपके कंटेंट से रेलिवेंट होना चाहिए, यानी जिस चीज़ का आपका पेज है उसी से रिलेटेड ही कीवर्ड को आप वहाँ पर यूज़ करें, तब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। ये नहीं कि आपको एक वेबसाइट में कंटेंट कुछ और है और कीवर्ड में URL में आपने कीवर्ड कोई दूसरा ऐड कर दिया, ये ऐसा, ये गलत तरीका है। तो अपने वेबसाइट के पेज के अकॉर्डिंग, कंटेंट के अकॉर्डिंग आप अपने वेबसाइट के URL में अपने कीवर्ड को ऐड कर सकते हैं दोस्तों। और दूसरा तरीका है मेटा टैग्स। दोस्तों, मेटा टैग्स के अंदर आप अपने कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। मेटा टैग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है SEO का। मेटा टैग में आप अपने वेबसाइट के पेज के अकॉर्डिंग, कंटेंट के अकॉर्डिंग आप कीवर्ड को क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं अपने कंटेंट के हिसाब से। क्योंकि दोस्तों, कीवर्ड्स का जो पर्पस है SEO में, सिर्फ टॉप पे आना ही नहीं है, सिर्फ सर्च इंजन के फर्स्ट पेज पे आना ही नहीं है दोस्तों। इसका कीवर्ड यूज़ करने का दूसरा तरीका ये भी है कि मोर रेलिवेंट, कि आपके पास रेलिवेंट ट्रैफिक आ सके। और दोस्तों, रेलिवेंट ट्रैफिक कब आएगा, जब आप कीवर्ड को रेलिवेंट पेज के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, ताकि आप चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर पेज पे आपको रेलिवेंट ट्रैफिक चाहिए, तो उसी से रिलेटेड ही आप अपनी वेबसाइट में कीवर्ड को यूज़ करें, ताकि आपको रेलिवेंट ट्रैफिक मिल सके। और दोस्तों, जब कोई भी यूज़र सर्च इंजन में कोई क्वेरी टाइप करता है, कोई कीवर्ड डाल के सर्च करता है, तो दोस्तों अगर उसको रेलिवेंट, मतलब उसकी क्वेरी से मैच रिजल्ट नहीं दिखता, तो वो उस पेज को क्या कर देता है, ड्रॉप कर देता है, यानी फिर उस साइट को विजिट नहीं करता, और जिसका नेगेटिव इम्प्रेशन आपको मिलता है। तो इसलिए मेटा टैग में अपने कीवर्ड को यूज़ करें और अपने पेज के अकॉर्डिंग कीवर्ड को यूज़ करें, ताकि आपको रेलिवेंट ट्रैफिक, और जिस पेज पे आप ट्रैफिक को लाना चाहते हैं उसी पेज पे आपका ट्रैफिक आए दोस्तों। इससे क्या होगा, इससे आपको रेलिवेंट ट्रैफिक मिलेगा और उसका बेनिफिट भी मिलेगा आपको। नेक्स्ट है दोस्तों, वेब पेज कंटेंट। दोस्तों, जो हमारी वेबसाइट में जो कंटेंट है, जो वेब पेज कंटेंट है, आप उसमें अपने कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जब भी कोई भी यूज़र कीवर्ड के थ्रू सर्च करता है, तो वहाँ पर आपकी वेबसाइट का सर्च रिजल्ट में वहाँ पर शो होती है
और जब आपकी वेबसाइट वहाँ पे शो होगी देन ही कैन क्लिक ऑन योर वेबसाइट लिंक एंड ही कैन विजिट योर वेबसाइट। सो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इस तरह आपको ट्रैफिक मिल सकता है और रेलिवेंट ट्रैफिक और ऑर्गेनिक और जेन्युइन ट्रैफिक आपको मिलता है। दोस्तों ऑर्गेनिक ट्रैफिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या है, एक जेन्युइन तरीका है ट्रैफिक का। तो आप अपने वेबसाइट के कंटेंट में अपने कीवर्ड को डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ज़्यादा कीवर्ड हमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों कुछ लोग क्या होते हैं, सिर्फ रैंकिंग में आने के लिए अपने कीवर्ड स्टफिंग कर देते हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स को कंटेंट में डाल देते हैं, जो क्या है एक रॉन्ग तरीका, एक गलत तरीका है। इसका आपको बेनिफिट मिलने की बजाय आपको इसका नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा अपनी साइट पर, यानी आपकी साइट की रैंकिंग क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। तो इसलिए आप अपने वेबसाइट को एक जो सही तरीका है उसको यूज़ करें। एक कुछ कीवर्ड को आप अपनी वेब पेज कंटेंट में डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं, कुछ एक या दो कीवर्ड को आप ऐड कर सकते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट है दोस्तों वेबसाइट के टाइटल। अब वेबसाइट के टाइटल में अपने कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। वेबसाइट टाइटल दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम कोई भी हम सर्च क्वेरी सर्च रिजल्ट में जो भी हम कीवर्ड डाल के सर्च रिजल्ट देखते हैं, तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले टाइटल ही आता है। तो दोस्तों अब ध्यान रखें, आप वही कीवर्ड को यूज़ करें अपने पेज में जो जिस इंफॉर्मेशन के बारे में आपका पेज पे कंटेंट अवेलेबल है। यानी ये ऐसा ना करें कि आपकी वेबसाइट पे कंटेंट कोई दूसरे टॉपिक के बारे में है और आप कीवर्ड जो टाइटल है, टाइटल में कीवर्ड कोई दूसरा डाल रहे हैं, ऐसा ना हो। आपके जो वेबसाइट में जो कंटेंट है उसी से रिलेटेड कीवर्ड को आप अपने टाइटल में यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन से पेज में कौन सा टाइटल आना चाहिए। दोस्तों अगर आप सही पेज पे सही टाइटल को यूज़ करेंगे तो आप एक सही ट्रैफिक, अच्छा ट्रैफिक आप अपनी साइट पर ला सकते हैं और एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस आप अपने यूज़र को दे सकते हैं। दोस्तों कोई यूज़र कोई क्वेरी को सर्च कर रहा है, इसका मतलब वो कोई इन्फॉर्मेशन को देख रहा है, तो इसलिए आप सही कीवर्ड को सही पेज पे यूज़ करें। और दोस्तों टाइटल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। टाइटल में आप जो भी कीवर्ड डाल रहे हैं, टाइटल क्या होता है, टाइटल यूज़र को जो सर्च कर रहा है उसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। यानी जो क्वेरी जो कीवर्ड उसने टाइप करा है उसी से रेलिवेंट टाइटल अगर आपने डाल रखा है तो वो आपकी साइट पे ज़रूर विजिट करेगा और टाइम स्पेंड करेगा दोस्तों। और नेक्स्ट है हेडिंग टैग्स। दोस्तों हेडिंग टैग्स भी बहुत ज़रूरी हिस्सा है। हेडिंग टैग्स हम किस लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि दोस्तों कोई भी यूज़र हमारी साइट को विजिट करता है तो वो क्या करता है, वो पूरे कंटेंट को नहीं पढ़ता, पहले वो आपकी आपके जो हेडिंग टैग हैं, जो आपने हेडिंग टैग्स डाल रखे हैं उसको पढ़ के वो जज करता है कि नीचे का कंटेंट किस बारे में है। अगर उसे ज़रूरत महसूस होती है कि अगर उसे वो पढ़ना चाहिए, यानी रेलिवेंट कंटेंट है, तब वो उस कंटेंट को पढ़ेगा, लेकिन उस सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले वो हेडिंग्स को ही देखते हैं। हम भी कोई भी चीज़ के बारे में, कोई इन्फॉर्मेशन के बारे में सर्च करते हैं तो सबसे पहले हम हेडिंग को देखते हैं कि वो हेडिंग किसके बारे में है, कंटेंट के बारे में हम बाद में देखते हैं। तो इसलिए आप अपने कीवर्ड्स को हेडिंग टैग में भी डाल सकते हैं। और ध्यान रहे कि जो आप कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं हेडिंग टैग्स में वो रेलिवेंट होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए और जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा ना लगे कि वो फेक आप टैग यूज़ कर रहे हैं। तो हेडिंग टैग्स में आप अपने कीवर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग, यानी जो जिस चीज़ के बारे में आपका कंटेंट है उससे रिलेटेड आप हेडिंग टैग में अपने कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने कुछ तरीके सीखे कि आप किस किस तरीके से कीवर्ड को अपनी वेबसाइट में ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको एक अच्छी पेज रैंकिंग गूगल के सर्च इंजन में मिल सके। तो दोस्तों आज की इस इन्फॉर्मेशन के लिए, आपका सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।